गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के रिएक्शन। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने स्टडी किया था ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट या कैटलिस्ट के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे मॉडिफाइड ओहिरा बेस्टमैन कैटलिस्ट फॉर कीटोन एंड एल्डिहाइड। देखिए, जो आपका नॉर्मल ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट था या कैटलिस्ट था, वो ओनली एल्डिहाइडिक स्टार्टिंग मटेरियल के साथ वर्क करता था। बट मॉडिफाइड ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट या कैटलिस्ट कीटोन वर्स एंड एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन करके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास है स्टार्टिंग मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओहिरा बेस्टमैन रिएजेंट। दिस इज मॉडिफाइड ओहिरा बेस्टमैन कैटलिस्ट कह सकते हैं इसे, एंड रिएजेंट भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आपका पूरा एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। किसके साथ? जिस कार्बन के साथ N2 अटैच्ड है, तो यहाँ पे वही है। जिस कार्बन के साथ N2 अटैच्ड है, सपोज इस कार्बन को मैंने वन नंबर नाम दिया, सपोज मैंने इसे वन नंबर नाम दिया। अब वन नंबर के साथ लेफ्ट साइड में पूरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, लाइक P डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड बॉन्डेड टू OCH3। तो फॉस्फेट की 5 वैलेंसी फुलफिल हो गई। कार्बन अटैच टू N2, अब उसमें क्या होगा, जब N2 को मैं ओपन कंडीशन में लिखूंगा तो कार्बन नंबर 1 अटैच टू डबल बॉन्डेड टू N, डबल बॉन्डेड टू N, और मिड वाले N नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, मिड वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में बैलेंस होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब वन नंबर के साथ जो इसकी फोर्थ वैलेंसी फुलफिल हो रही है, वो हो रही है आपकी हाइड्रोजन से। अब देखिए, हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है, तो हो रहा क्या है, आपका जो वन नंबर का कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण वन नंबर के कार्बन से अटैच प्रोटॉन मोर एसिडिक है। अगर आपने बेस यूज में लिया, बेस यूज में लेते ही क्या होगा, आपका मोर एसिडिक प्रोटॉन पहले एक्सट्रैक्ट होगा, ओके। हमने क्या लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने यूज में ले लिया बेस, हाईलाइट करता हूं मैं इसे येलो से। ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, वन नंबर कार्बन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, ओके। यहां तक समझ में आया आपको? अब अदर थिंग्स क्या है, वन नंबर कार्बन था ये, इसे मैंने नेम दिया वन नंबर कार्बन। अब आपका एरो के ऊपर सेकंड स्टेप में कुछ भी दे रखा होता है, या तो आपको सेकंड स्टेप में स्टार्टिंग मटेरियल के, या आपके पास जो भी आपका रिएजेंट या स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में दे रखा है डाई फिनाइल कीटोन, या आपके पास कोई एल्डिहाइड भी दे रखा होता है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, कीटोनिक सेंटर, ये आपका रहेगा टू नंबर कार्बन। दिस इज हो गया कि आपका, अगर मैं इसे पहले रब करता हूं, सॉरी, दिस इज pH, ओके। देखिए, ये आपका था टू नंबर का कार्बन, जो भी मैं इसको नेम देता हूं टू नंबर कार्बन। अब होगा कि आपका जो वन नंबर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और टू नंबर कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज अब यहां पे अटैक करेगा, ओके। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका ओपन होगा, तो इसे आप ओपन करवा दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके। अब वन एंड टू के बीच में आप सिंगल बॉन्ड जनरेट कीजिए, तो ये आपके पास जो जनरेट हुआ, दिस इज वन एंड टू के बीच में सिंगल बॉन्ड, मैं इसको नेम करता हूं, दिस नंबर इज वन, दिस नंबर इज टू, ओके। अब देखिए, यहां पे अब जो टू के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्ड कर रहा है, ये क्या करेगा, वन के ऊपर जो फास्फोरस अटैच है उसके ऊपर अटैक करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की एफिनिटी फास्फोरस के साथ ज्यादा होती है, या वाइस वर्सा, फास्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, तो इसे अब आपको क्या करना है, अटैक करवाना है फास्फोरस के ऊपर। यहां पे फास्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, इससे क्या होगा, आपका फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो अब आपको देखने को मिलेगा बिटेन इंटरमीडिएट, दिस वन जो आपको देखने को मिला, मैं इसे हाईलाइट करता हूं येलो से, दिस, ये क्या मिल गया आपको, बिटेन इंटरमीडिएट, लिख लेते हैं हम इसे,
बिटाइल इंटरमीडिएट। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बॉन्ड सिम्पटिव होगा, जो आपका ऑक्सीजन 2 नंबर कार्बन के ऊपर था वो आपका फास्फेट ग्रुप के साथ बाहर निकलेगा, फास्फोरस के साथ बाहर निकलेगा। तो बॉन्ड शिफ्टिंग करवा दीजिए। क्या करना आपको, ये था आपका 2 नंबर, सॉरी पहले नेम देता हूं मैं इसको, ये आपका था 1 नंबर कार्बन, ये आपका था 2 नंबर कार्बन। ओके, तो आपका जो बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, ये बॉन्ड आपका यहां पे, देन आफ्टर दिस बॉन्ड गोज टू हेयर। ओके, अब आपके पास जो कार्बन है उनको वापस से नेम देता हूं। कार्बन नंबर 2 एंड 1 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो दिस इज 2 था, ये था आपका 1, इसके बीच में क्या देखने को मिला, डबल बॉन्ड, एंड 1 के साथ वापस डबल बॉन्ड के साथ है नाइट्रोजन, देन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, टर्मिनल नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, और जो आपके पास ग्रुप आपका यहाँ पे एलिमिनेट होगा वो क्या रहेगा, उसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपके पास रहेगा दिस वन इज फास्फोरस डबल सॉरी बॉन्डेड टू ओ नेगेटिव, एक आपका ओ सी एच थ्री, सेकेंड ओ सी एच थ्री, एंड यहाँ पे रहा था आपके पास सेकेंड डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ओके, ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हुआ है। अब जो आपको ये बना इसे मैं नाम देता हूं ए प्रोडक्ट। ओके, अब ए के अंदर क्या होगा कि टर्मिनल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन बियर कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इसको यहां पे अटैक करवाइए, इससे क्या होगा नाइट्रोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो आपका ओपन होगा और कार्बन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करेंगे, ये कार्बन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर हो रहा है, तो दिस इज कार्बन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से। ओके, अब हमारे पास क्या रहा, कार्बन 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 1 एंड 2, तो कार्बन 1 के साथ अब अटैच्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड क्लियर होगा, एन टू गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा, इसे भी क्लियर कर लीजिए। दिस कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपनी और अपने साथ लेकर के क्लियर हो जाएगा, तो ये आपका कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन लेकर के क्लियर हुआ, एन टू गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया। और अब क्या देखने को मिला, कार्बन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के रूप में, अब ओनली फॉर वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह रहे तो वो बन गया आपका कार्बन के अंदर। ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ये आपका निकल गया एन टू गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, एन टू इज ए गुड लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल गया, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गया था, तो अब कार्बन के ऊपर क्या बचे ओनली फॉर टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी पेयर हो सकती है अनपेयर हो सकती है, उस हिसाब से सिंगलेट या ट्रिपलेट कार्बिन कहलाएगा। ओके, तो ये बन गया आपके पास कार्बिन इंटरमीडिएट। अब देखिए कार्बिन इंटरमीडिएट का हमें देखना है रीअरेंजमेंट, यहां पे जो नंबर है वो दे दीजिए, ये आपका था 1 नंबर कार्बन, ये आपका था 2 नंबर कार्बन, 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है एंड 2 के ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट पीएच अटैच्ड है। अब मुझे पता है कि ये जो कार्बिन है वो क्या करता है, अपने नेबरिंग कार्बन के ऊपर जो सबस्टिट्यूएंट है लाइक हाइड्रोजन लाइक एल्किल ग्रुप लाइक पीएच उसके बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है। ओके, तो इंसर्शन करवाना मुझे, ये देखिए क्या होगा, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे कार्बन 1 एंड 2 के बीच में, तो कार्बन 1 एंड 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा, उससे क्या होगा दिस पीएच अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेके 1 नंबर के पास आके अटैक करेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं इसे हाईलाइट करता हूं पहले ग्रीन से, ये आपका ग्रीन रहा, ये जो पीएच है ये पूरा का पूरा यहां से डिटेच होगा और कार्बन 1 के ऊपर अटैच होगा। तो अब देखिए दोनों ही कार्बन की 4-4 वैलेंस आपकी फुलफिल होगी, दिस वन 1 नंबर दिस वन 2 नंबर, 1 एंड 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर के साथ फोर्थ जो इसकी वैलेंसी है वो पीएच से बैलेंस हो रही है और 2 नंबर के ऊपर ये फोर्थ वैलेंसी पीएच से बैलेंस हो रही है, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट आ गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोडक्ट आ गया। तो ये था मॉडिफाइड ओहिरा बेस्टमैन रीएजेंट जो कीटोन के लिए भी यूज में हो सकता है, एल्डिहाइड के लिए भी यूज में हो सकता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख ली। अब इसे समरी के रूप में मैं इसे आपको वन लाइन रिएक्शन के रूप में देता हूं और वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक से। देखिए अब यहां पे बस आपको क्या देखना रहेगा, देखिए स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास ओहिरा बेस्टमैन रीएजेंट वो भी कैसा रहेगा मॉडिफाइड, ये आपका आप इसे बोल सकते हो शॉर्ट ट्रिक भी। ओके,
स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में मॉडिफाइड ओरा बेस्टमैन रिएजेंट आपको दे रखा है, ये आपका रहेगा वन नंबर कार्बन। वन नंबर कार्बन के साथ अब यहाँ पे कोई भी अदर राइट साइड में सब स्टेटमेंट नहीं है, ओनली फॉर फॉस्फोरस ग्रुप आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था पी डबल बन ओ ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। ओके, अपने एरो के ऊपर पहले स्टेप में आपको बेस मिलेगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आपको कीटोन मिल गया, सपोज अगर आपको कीटोन मिल गया, दिस वन इज कीटोन। ओके, अब कीटोनिक कार्बन को आपको देना है टू नंबर नाम, वन एंड टू के बीच में बनाना ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए वन नंबर के साथ क्या अटैच था, हाइड्रोजन, वो तो बेस इसके लेके गया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो अब वन एंड टू के बीच में कार्बन के थ्रू इंसर्शन हुआ था, है ना, तो अब आपको बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, वन एंड टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और जो सब स्टिट्यूएंट कीटोन पे प्रेजेंट थे उसमें देख लीजिए कि माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, उसे आपको वन नंबर कार्बन पे रखना है। अब चूंकि अभी जो कीटोन हमको देख है वो सिमेट्रिक कीटोन है, दोनों ही सब स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए दोनों में से कोई भी सब स्टिट्यूएंट को वन नंबर के ऊपर मैं माइग्रेट करके लिख सकता हूं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, पीएच बॉन्डेड टू दिस कार्बन, बॉन्डेड टू ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डेड टू कार्बन, बॉन्डेड टू पीएच। ओके, ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक के थ्रू प्रोडक्ट मॉडिफाइड ओहिरा बेस्टमैन कैटलिस्ट या रिएजेंट के लिए। तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी, आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे इस रिएक्शन में क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे मुझे कीटोन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज में लेना है और नॉर्मल एल्डिहाइड के लिए कौन सा रिएजेंट यूज में लेना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।